टीकमगढ़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जिसे प्रदेश में बेटियों के गांव के नाम से पहचाना जाता है, जो अपने आप में एक अनोखा गांव है। लेकिन इसे सरकारी तंत्र की उदासीनता कहें या गांव का दुर्भाग्य कि इस गांव में शौचालयों की कमी है और लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। यह गांव पूरे देश के लिए एक आदर्श गांव बना हुआ है, जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है और यहां आज भी बेटियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार ने यहां भी अपने पैर पसार कर रखे हैं। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले में 66 गांव पंचायतों सहित 212 गांवों को ODF घोषित किया जा चुका है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो यह आंकड़े सच्चाई कहीं इससे परे हैं। ODF घोषित इन गांवों में से आधे से अधिक गांव के लोग आज भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। वजह यही है कि या तो उनके यहाँ शौचालय बने ही नहीं है और अगर बने हैं तो पूर्ण नहीं है, जबकि उक्त गांव को कागजों पर ODF घोषित किया जा चुका है। यहाँ शौचालय नहीं बने हैं। हाँ, पूरा गांव जाते हैं, आती है दिक्कत 4 बजे से, जैसे अंधेरे में हो या तो ठीक है, सो अंधेरा हो जाए तो लड़कियां ना दिक्कत है, हमें दिक्कत है, बार बार उठने पड़ा, शर्म महसूस हो। पूरा गांव जाता है, औरतें जेंट्स वगैरह लेडीज सब लोग जाते हैं, नाले में जाते हैं, खुले स्कूल है लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता है, इस जगह भी में यही है। लेकिन नहीं, घर में कोई सरपंच सुनता ही नहीं, ना सेक्रेटरी भी नहीं सुनता है। गाँव के लोग कहते हैं यहाँ शौचालय बनवाओ, पानी की सुविधा कोई करता ही नहीं है। क्योंकि घर कोई लैटरिन वगैरह नहीं है, इसलिए बाहर नाले के पास जाते हैं। पूरा गांव जाता है सब बाहर, पूरा गांव खुले। नेता वगैरह से कह रहे हाँ आपकी आ जात जीत जा सुफ रह जात। हरपुरा गांव में शौचालय ना होने की जानकारी पत्रकारों द्वारा दी गई, तो इसकी जांच के लिए शौचालय निर्माण से संबंधित जिला पंचायत के अधिकारियों की टीम गांव भेजी गई है, जो पूरी जानकारी लेकर आएगी और उसके हिसाब से आगे भी कार्यवाही की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, शौचालय तो बने हैं, चूँकि पोर्टल पे दर्ज किए हैं और वो दिख नहीं रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, वहाँ जो भी समस्या है, आज मैंने हमारे मतलब जिला कोऑर्डिनेटर मिस्टर मनीष जैन को मैंने हरपुरा मड़िया भेजा है, उनकी एक एक जानकारी पूरी लेकर के आएंगे और अगर शौचालय बने ही नहीं है तो क्यों नहीं बने उसकी उसके ऊपर कार्रवाई होगी और अगर फर्जी कुछ हो रहा है तो भी हम जांच करके कार्रवाई कराएंगे। न्यूज़ BK के लिए टीकमगढ़ से विकास राय के साथ दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।